दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत दिनों से लोगों की मांग हो रही थी कि वशीकरण का एक ऐसा मंत्र आप बताइए जिसमें सभी लोगों का वशीकरण होता है, किसी व्यक्ति विशेष का वशीकरण ना हो बल्कि सभी जितने भी जीव जंतु जगत में हैं, मानव है, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, सभी का वशीकरण होता हो, ऐसा कोई मंत्र बताइए। तो ऐसे मंत्र तो बहुत सारे हैं, उनमें भूतनाथ जी का जो मंत्र है वो सर्ववशीकरण करने में सबसे समर्थ माना जाता है। इस मंत्र की साधना करने से आदमी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा होता है और कॉन्फिडेंस इतना अच्छा आ जाता है उसे कि जब भी किसी के सामने वो जाता है तो विश्वास से किसी से बात करता है और इसकी वजह से उसके ऊपर निश्चित रूप से उसको प्रभावित करता है सामने वाले को। यही नहीं, मंत्र के प्रभाव इतने तीक्ष्ण देखे गए हैं कि यहाँ तक कि दूसरी इतर योनियाँ जो होते हैं वो भी प्रभावित हो जाती हैं, यानी कि भूत प्रेत पिशाच भी वश में हो जाते हैं इनकी साधना से। और भूतनाथ तो सभी के नाथ हैं, इसलिए भगवान शिव का ये रूप सिद्ध करने में आसान होता है, लेकिन इनकी साधना कठोर होती है और थोड़ा है, और इस तरह की चीज़ों से इसमें बचना चाहिए क्योंकि इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और आदमी भयभीत नहीं होता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है, क्योंकि कोई भी सिद्धि सहजता से प्राप्त नहीं होती है। लेकिन ये सहज साधना है क्योंकि जब कोई विशेष स्थिति को टारगेट करके कोई कार्य नहीं किया जाता है तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो ये भगवान शिव का भूतनाथ मंत्र कहलाता है और भूतनाथ मंत्र से वशीकरण होता है सभी जगत के सभी जीवों का। इसको करने से निश्चित रूप से आपको साध्य व्यक्ति का तो आपके होगा ही जिसको आप साधने जा रहे हैं, लेकिन सभी जीव जंतु सबका वशीकरण होता है और दिन प्रतिदिन इसमें की शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। अगर जिंदगी भर इस मंत्र का व्यक्ति जाप करता है तो उसके अंदर वशीकरण की एक अद्भुत शक्ति पैदा हो जाती है। अगर उसका वो दुरुपयोग नहीं करता है तो ऐसी शक्ति हमेशा उसके साथ बनी रहती है और उसके सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करती है, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी वो अन्य जो योनियाँ हैं, देवता, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड, भैरव, कुछ भी आप ले लीजिए, इस तरह की जितनी भी हजारों लाखों योनियाँ हैं उन सबको भी वशीकरण की शक्ति उसको प्राप्त रहती है उस मरने के बाद भी। इसीलिए इसको सर्वजन वशीकरण मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र के साधन करने से व्यक्ति में ऐसी ऊर्जा का उत्पादन होता है जो किसी भी व्यक्ति विशेष या साध्य को अपने अनुरूप बना लेती है और उसका अनुसरण करना उसको आ जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए आपको एक एकांत स्थान ढूंढना होगा, फिर उस एकांत स्थान में भगवान भूतनाथ की प्रतिमा स्थापित करनी होगी और उसके आगे आपको एक अखंड दीपक जलाना होगा। इसके बाद आपको एक संकल्प लेना होगा कि इस मंत्र का मैं 3 लाख जप इतने समय में पूरा करूंगा। अधिकतम अवधि इसकी 6 महीने है, 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में आप इस साधना को कंप्लीट कर सकते हैं। दिनों की कोई गिनती नहीं दी गई है, सिर्फ ये बताया गया है कि कम से कम 1 महीने और अधिकतम 6 महीने के भीतर आपको 3 लाख जप को सिद्ध कर लेना होता है, यानी जप लेना होता है। तो इनका जो मंत्र है मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ओम नमो भूतनाथ समस्त भुवन भूतान साध्य हूँ। इस मंत्र का आपको जाप करना है लगभग 3 लाख की संख्या में। आसन आपका लाल कंबल का ले लीजिए और अगर व्याघ्र चर्म मिल जाए या फिर आप इसके लिए साथ ही अगर हिरण का चर्म मिल जाए तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों आसनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। माला रुद्राक्ष की लगेगी और लगातार जाप करना होगा इस मंत्र का आपको। जितने भी रोज आप जाप करें, जिस हिसाब से संख्या बांट लीजिए, जितना भी जाप करते हैं उतना रोज आपको बराबर जाप करना है। किसी दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई दिन खाली ना रह जाए, ऐसा लगातार आपको व्यवस्था करनी है। रात्रि के समय जाप इसका अति उत्तम माना गया है, रात्रि 11 बजे से इसका जाप सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं कि दिन में भी आप इसकी साधना इस मंत्र की कर सकते हैं।
लेकिन जितने बजे कर रहे हैं लगातार उतने ही दिन उतने ही बजे उतने ही समय उतनी ही देर के लिए बिना किसी रुकावट के साथ करें। और जितनी देर आपका साधना चलती रहे उतनी देर आपका दीपक तेल का जलता रहे सामने। आप सरसों के तेल का दीपक वहाँ पे स्थापित करेंगे, बाजूड़ के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर आपको भगवान भूतनाथ की मूर्ति स्थापित करनी होगी और फिर आपको साधन करना होगा। आप जब इस आपका 3 लाख जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इसका दशांश हवन कर लीजिए। हुं के आगे आप स्वाहा शब्द जोड़ करके हवन कर लेंगे। हवन देसी घी से करेंगे और साधारण जो हवन सामग्री होती है उसी तरह से किया जाएगा, कुछ विशेष की आवश्यकता इसमें नहीं है। और नारियल की बलि दीजिए लास्ट में मंत्र की। जब आप हवन कम्प्लीट करते हैं उसका दशांश हवन कर लीजिए और इसके बाद ये साधना आपकी पूरी हो जाती है। और आप जब भी कोई आवश्यकता हो तो उसके जिसके पास भी जा रहे हैं जिसको वशीभूत करना है 108 बार जप करके और भूतनाथ भगवान का स्मरण करके उस व्यक्ति के सामने जाएंगे तो वो निश्चित रूप से वशीभूत होगा। और ये साधना न सिर्फ मनुष्यों के लिए फायदेमंद है बल्कि आप अगर किसी देवी देवता को साधना करने चाहते हैं उसको वशीकरण करना चाहते हैं या किसी अप्सरा यक्षिणी या इस तरह की साधना को सिद्ध करना चाहते हैं तो अगर ये साधना आपने पहले से कर रखी है तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, यानी कि वो सिद्धि आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अगर आपने वो साधना बीच में नहीं छोड़ी तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि साधना बीच में नहीं छूटनी चाहिए। तो इस तरह से ये सर्वजन वशीकरण मंत्र है और इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप करिए। और इसमें सबसे पहले वही जैसे कोई भी विधि से किया जाता है, सबसे पहले आपको गणेश भगवान का मंत्र जाप करना है, फिर गुरु मंत्र की एक माला जप करनी है, उसके बाद फिर आपको भैरव जी की एक साथ मंत्र का जाप कर लीजिए एक माला, और फिर इस मंत्र का जवाब आपको करना है। इस प्रकार आपको प्रतिदिन करना है और 3 लाख के जप इनके पूरे कर लेने हैं आपको 6 महीने से पहले, जैसी जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार। तो ये था एक दुर्लभ सर्वजन वशीकरण मंत्र प्रयोग। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।